दोस्तों साहू पोखर पार्ट वन में हम लोगों ने पचमंदिर, राम जानकी मंदिर और महादेव का दर्शन किया और अब देखिए आगे। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं फलहारी बाबा के मठ में, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। इसके अंदर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो इसको भी घुमाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों। दोस्तों आप जैसे ही फलहारी बाबा के मठ में प्रवेश कीजिएगा तो आप देख सकते हैं दीवारों पे विष्णु जी श्री राम जी का चित्र चित्रण किया गया हुआ है और सामने आप देखिए ये है फलहारी बाबा। ये आप देख सकते हैं लिखा गया हुआ है श्री फलहारी बाबा। फलहारी बाबा के बाद 6 और महंत बने, पूरे 7 जनरेशन के महंत के फोटो आप देख सकते हैं और उनकी खराब भी है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे महंत और कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं और सामने दोस्तों है राम जानकी सीता जी का मंदिर और यहाँ पे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी भी विराजमान हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो दोस्तों अभी हम लोग फलहारी बाबा के मठ के अंदर प्रांगण में आए हुए हैं और यहाँ पे हम यहाँ के पुजारी पंडित से बात करते हैं। इस मंदिर में आके भक्त लोग का मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ पे है फलहारी बाबा का मंदिर। हाँ। और ये फलहारी बाबा जो थे जी, प्रथम बार में जब आए जी, तो यहाँ ये सब भिंडा उंडा ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। जो यहाँ पे मंदिर जो अभी है अभी तो खाई पड़ रहा जी, है हाँ। तो ये वो मंदिर था, वो बड़ा मंदिर अच्छा। शंकर जी का मंदिर जी जी। और ये जो जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं जी, ये सब पर यहाँ तो था भिंडा था। इस पर मैंने झाड़ी लगा हुआ, एक अशोक के पेड़ था, अशोक का पेड़ था। जैसी कहानी हम सुनते हैं हाँ। वो पेड़ के नीचे वो अपना वो आसन लगा, ये पोखरा तैयार हो गया था जी जी। तो साधु को जल और जंगल दो तो फिर मुख होता है। ये सब झाड़ी वोड़ी सब ये सब माने महला सब जो है जो जी, अब इंडा था मिट्टी टाइप का पूरा कुछ बनाया हुआ नहीं, नहीं 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 इसी ड्यूटी कुछ नहीं बना जी। मन जैसे जे देहात का पोखरा कैसे होता है उस तरह से माने आए अपना देखे सुने अपना मिथिला उठे इलाहाबाद जिला के जी जी। तो ही प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के बगल में बदनपुर स्थान है उनका जी, गुरुद्वारा बदनपुर जी जी। तो वहीं के रहने वाले थे, यहाँ मिथिला दर्शन में आए थे जनकपुर, उसे घूम करके मिथिला दर्शन करके यहाँ आए, इधर देखे तो भिंडा पर उनको पसंद आया, अपना आसन डाल दिए। एक लौका की तुमाड़ी, एक इतना बड़ा लोहा की चिपिया जी, जो साधु होता है अपना देश भर के जो लंगोटी विशेष वस्त्र नहीं जी, ये हाँ एक छोटा कम्बल छाने भर का जी, अपना आर पेड़ के नीचे डाले और डालने के बाद में मैं धीरे धीरे जो बस्ती ये जगह गांव के टाइप था जी, उन लोगों ने साधु को देख करके अपना वहाँ बोलते हैं उनसे कोई डर का मारे नहीं, पहले साधु के लोग बहुत भय खाते थे, ये राम इच्छा से मारे उनका जो धीरे धीरे लोगों से संपर्क बनते गया। आकाश बीरती एक गौ जो है जंगल में चरने वाली उनके पास आई, आने के बाद में वो गौ का माने उनके सामने खड़ा हुई और दूध टपकने लगा, उसको बिना बच्चा का गौ है दूध आना गया। आया तो मैंने आधा से दूर करीब वो निकाले, जब दूध देखे जी मैंने है एकदम जब हाथ दिए पीठ पर चारों टंग खिला सुस्त हो गई थी, वो प्रेम की अवस्था में वो हाथ खड़ी हुई तो हाथ लगाए तो दूध निकाले। पहले इतना इतना बड़ा गिलास चलता था हाँ, बड़ा गिलास था पीतल का, पीतल का होता था, उसी में दूध अपना निकाला, निकाल करके कागजी अपने गर्म किए, आधा का हवी बना दिए, हवी समझते खीर, बिना चीनी जैसी का खीर बिना हवी बनाए, आधा को आधा हवी भोजन ऐसी किए हवन में दिए, आधा जो है अपने ग्रहण वैसे ही अपना उनका चलते रहा। उसी पर और
कोई फल उल दे गया तो थोड़ा बहुत अपना देते रहे। ऐसा ही उनका मन से भजनानंदी सिद्ध महात्मा लंबा 5.5 फुट के जवान जटा विशाल ये सब रूप में उनका मन है। यहाँ फोटो है उनका सबसे लास्ट में। खुशी हुआ धीरे धीरे तो लोगों से संपर्क बढ़ते गया, धीरे धीरे यहीं अब रह गए। यहाँ रहने के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ शिष्य लोग बन गए जी। उनका शरीर शांत हुआ था, शिष्य लोगों की परंपरा महंत की आ गई। वो महंत माने उसके बाद में तो धीरे धीरे महंत सातवां पीढ़ी का परंपरा चल रहा है, सातवां पीढ़ी का परंपरा। यही कहानी है आश्रम का, धीरे धीरे विकास लोगों के द्वारा संपर्क बनते गया, मरवाड़ी का योगदान होते गया, मरवाड़ी के योगदान से इसका और जमीन जो है साहू परिवार का। तो आप अयोध्या भी गए थे? अयोध्या साल भर से अयोध्या थे, यहाँ के सबसे अभी प्रेजेंट में पुराने साधु में यहाँ अपने राम थे जी। लेकिन अब जो है साल भर से 20 जनवरी से यहाँ से हम अयोध्या अवास करने लगे। यहाँ सब छोड़ छाड़ करके यहाँ की जो भी यदि है वो महंत तो अपना सब चलाते हैं, जैसे चला में निमन से चाहे बेला ऐसे जो जैसा करेगा अपना पाएगा। अपने अपने राम को वहाँ व्यवस्था बना हुआ है, वहाँ जा करके अपना भजन करते हैं, वहीं रखते हैं। फिर मन कुछ कार्य वर्ष माने आए हुए हैं, फिर यहाँ से वापस चले जाए। फिर आप अयोध्या चले वापस चले जाएंगे राम जी के भजन के लिए। तो दोस्तों ये था आपको मान जी पंडित जी ने आपको फलहारी बाबा के बारे में बताया। ये कहानी था, इससे फलहारी बाबा से जुड़े कुछ कहानी है। धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो दीवार पे महादेव और संकट मोचन हनुमान का चित्रण किया गया हुआ है और नीचे है हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। वायुपुत्राय विद्महि रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। तो ये मंदिर अंडरग्राउंड में है, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और आप जैसे ही नीचे की ओर बढ़ेंगे तो सामने हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान। जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। दोस्तों ये मंदिर ग्राउंड लेवल में होने के वजह से आप यहां से साहू पोखर भी आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सभी भगवान का दर्शन किया। ये है साहू पोखर, यहाँ पे राम जानकी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और फलहारी बाबा का मठ है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को दर्शन कराया भगवान का, फलहारी बाबा का मठ भी दिखाया, इसके नीचे हनुमान जी का मंदिर था। और दोस्तों ये जो मंदिर है ग्राउंड लेवल में है, जब पानी आता है तो वहाँ पे लमसम पानी आता है, जब तो हल्का पानी अंदर चल जाता है, जो हनुमान मंदिर देखे है वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों लास्टली में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही मुझे प्रेरित करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, अलग अलग जगह जाने के लिए। क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि बिना वीडियो कैसा बन रहा है, तो एक होता है ना मोराल, मेरा डिमोटिवेट हो जाएंगे हम, मोराल गिर जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो बस हमको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रयास कहीं लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आपका कमेंट ही मुझे प्रेरित करता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।